बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 हमने कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ठीक है? ये संडे को किसी ने कर रहा है, उसको बाद में हम देखेंगे, ठीक है? लेकिन आज हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, वो क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें वैल्यूज को हमें प्रूव करना है, दोनों ऑप्शन में प्रूव दैट, ठीक है? तो अब हमें इसको क्या करना है, प्रूव, ये प्रूव करना है कि -1 और 2 प्लस 1 और 3 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 और 3 प्लस इनटू -1 और 2, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी, ठीक है? -1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3, ठीक है? अब लेफ्ट हैंड साइड लिए, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका ब्रैकेट खत्म करेंगे, -1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3, ठीक है? अब इसमें 2, 3, 6, ठीक है? अब इसमें एलसीएम मेरे पास आता है 6, ठीक है? 2 का टेबल पढ़े हमारे पास 6 बने, 2, 3, 6 और ये हमारे साथ, ठीक है? अब प्लस, अब 3 का टेबल पढ़े हमारे पास 6 बने, 3, 2, 6, ठीक है? अब बड़ी में से हमने छोटी वाली माइनस करनी है, ठीक है? तो क्या आ जाएगा, -1 ओवर 6, तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ठीक है? इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है? राइट हैंड साइड 1 ओवर 3 प्लस -1 ओवर 2 इसका क्या, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जैसे हमने वो ग्राफ हम सॉल्व किए, इस तरह को हम सॉल्व करेंगे, तो 1 ओवर 3 प्लस माइनस माइनस 1 ओवर 2, ठीक है? अब इसका एलसीएम कितना आता है, फिर 2 6 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है? अब इसमें 3 का टेबल पढ़े तो मतलब 6 बने, 3 2 6 और 1 2 को मान से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब माइनस 2 का टेबल पढ़े तो 6 बने, 2, 3, 6, ठीक है? इसमें 2 में से 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आता है, बड़े वैल्यू से साइन माइनस का है, 1 और 6 का, ठीक है? हेंस प्रूव, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है? इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर है, अब इसी तरह हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है? 10 ओवर 11 प्लस 5 ओवर 44, ठीक है? तो हमने इसका फाइंड करना है एलसीएम, ठीक है? तो एलसीएम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 ओवर 11 प्लस -5 ओवर 44 इज इक्वल टू -5 ओवर 44 प्लस 10 ओवर 11, ठीक है? तो इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, 10 ओवर 11, ठीक है? यहाँ पे ले लें इसको थोड़ा सा, लेफ्ट हैंड साइड 10 ओवर 11 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 44 माइनस आ गया, ठीक है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसको इसका फाइंड करना है, ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है, 10 ओवर 11 प्लस माइनस माइनस 5 ओवर 40, ठीक है?
अब 11 और 44 का हम क्या फाइंड कर लेंगे, एलसीएम। 11 वन द 11, 11 फोर द 44, 4 वन द 4 और 4, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा, 44। ये हमने एलसीएम फाइंड किया। तो 11 के टेबल पढ़े 44, हमारे पास 44 बने, 11 फोर द 44, 4 को हम 10 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 बन जाएगा माइनस। अब 44 को 44 पे करें 1 बनता है, 1 को 5 से करें तो 5 बनता है। अब कितना बन जाएगा, 35/44, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट हमने फाइंड करने हैं राइट हैंड साइड। माइनस 5/44 प्लस 10/11। अब इसमें इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लें पहले। माइनस 5/44 आ जाएगा प्लस 10/11, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 44। अब 44 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 44 को 4 पे, 44 को 44 पे करें तो 1 बनता है, 1 को 5 से करें माइनस 5 प्लस, 11 को अगर हम 44 से करते हैं, ठीक है, तो 4 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 40 में से अगर 5 माइनस कर दें कितना बचता है, 35। अब ये दोनों साइड का जो आंसर है वो सेम आ चुका है, तो इसका मतलब ये होगा ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। और इसके जितने भी इसी क्वेश्चन नंबर 4 के अगले क्वेश्चन है, ठीक है, पार्ट हैं, तो वो आप लोगों ने करने हैं, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करने हैं जैसे हमने अभी किए। तो इसका जो सोल्यूशन है इसको आप लोगों ने नीट कॉपी पे उतारना है, ठीक है, और अच्छे तरीके से इसको लिखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।